जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज की कथा हमको एक प्रेरणा देके जाएगी, कुछ समझा कर जाएगी। हम अक्सर कहते हैं ना, बाबा हमें भी दर्शन दो, बाबा हमसे मिलने क्यों नहीं आते। तो चलिए, आज बाबा की ज़िंदगी का एक ऐसा ही पहलू मैं आपको बताती हूँ। बाबा जी के बहुत सारे भक्त थे, अनगिनत। उनमें से एक भक्त ने एक बार बाबा जी से कहा, बाबा मेरे बेटे की शादी है और देखिए आपको ज़रूर आना है और समय पर आना है, और जब तक शादी पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती आप वहाँ से नहीं जाएंगे। बाबा ने हंसकर कहा, ठीक है ठीक है। बहुत तैयारी कर रहा था वो भक्त, और उसने उत्साह में अपने सारे मेहमानों को भी ये बता दिया था कि बेटे की शादी में बाबा आने वाले हैं। ये सुनकर मेहमानों की भीड़ भी दोगुनी हो गई थी। सब शादी के समारोह को बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन सबकी निगाहें कहीं ना कहीं दरवाजे पे अटकी हुई थी। पहला हल्दी की जो रस्म होती है वो ख़त्म हो गई, फिर मेहंदी की रस्म ख़त्म हो गई, महिला संगीत की रस्म ख़त्म हो गई, लेकिन बाबा जी का कहीं अता पता नहीं था। धीरे धीरे जो भक्त था वो थोड़ा सा निराश होने लगा, और उनके साथ जो उनके मित्र थे जिनको पता था कि बाबा जी आने वाले हैं, उनमें भी निराशा जागने लगी। लेकिन अभी तो सबसे महत्वपूर्ण समारोह बचा हुआ था, यानी कि शादी का दिन। पूरी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे सब लोग, लेकिन फिर भी आज भी उन सब की निगाहें महिलाओं की, बच्चों की, मेहमानों की, दोस्तों की द्वार पर लगी हुई थी कि न जाने किस पल बाबा आ जाए। लेकिन शादी का समय आ गया, बारात के जाने का टाइम हो गया, बारात दुल्हन के घर पहुंच गई, शादी हो गई, विदा हो गई, सब वापस आ गए, बाबा जी का कोई पता नहीं चला। भक्त बहुत नाराज हुआ, बहुत दुखी हुआ, और सारा काम संपन्न करके सीधे बाबा जी से मिलने उनके आश्रम चला गया। बाबा जी अपनी खटिया पे बैठे हुए थे, जैसे कि उन्हें सब पता हो कि अब मेरा भक्त शिकायत लेके मेरे पास आने वाला है। मुस्कुराते हुए बाबा जी ने भक्त की ओर देखा और बोला, ठीक ठाक हो गई ना शादी बेटे की? बेचारा भक्त, पहले तो उसने बाबा जी को प्रणाम किया, और उसके बाद जैसे कि जितनी नाराज़गी थी वो बाबा जी के ऊपर निकाल दी कि बाबा ये बात बिल्कुल सही नहीं है, मैं आपका भक्त हूँ, अगर आपको नहीं आना था तो आप मुझे पहले ही दिन मना कर देते ना, मैं आपका इंतज़ार करता रह गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं था, और आप जानते हैं सिर्फ मैं नहीं कितने लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। बाबा ने कहा, लेकिन मैं तो आया था। भक्त हैरान हो गया, बाबा अब ये कौन सी लीला खेल रहे हैं आप? बाबा ने कहा, मैं तो कोई लीला नहीं खेल रहा हूँ, मैं आया था, याद कर, तूने ही तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दे के बारात से बाहर कर दिया। भक्त को बिल्कुल याद ना आए, बिल्कुल याद ना आए। बाबा ने कहा, और जोर लगा दिमाग पे, चल भाई इसको चाय पिलाओ। उस भक्त को चाय पिलाई गई, चाय की सुड़ुक सुड़ुक पीते हुए चाय की आवाज़ के साथ भक्त पूरी तरह से ये ध्यान लगाने लगा कि बाबा आए कब थे, और अचानक वो सकते में आ गया, और उसे ये याद आया कि हाँ, जब बारात जा रही थी सब लोग खूब नाच रहे थे और बीच में खाने पीने का कार्यक्रम भी चल रहा था, तो एक भिखारी आ गया था ना जाने कहाँ से, और वो अंदर आता ही चला गया, और जैसे ही वो मेरे नज़दीक आया मुझे इतना क्रोध आ गया उसको देख के, क्योंकि हम सब इतने आलीशान तरीके से उस शादी का समारोह मना रहे थे, और उस भीड़ में वो भिखारी बहुत ही बुरा लगा, और मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे घसीटता हुआ अपने बारात घर से बाहर निकाल दिया। अब भक्त को सब कुछ समझ आ गया, और इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो अपनी आँखें नहीं उठा पाया। बाबा ने कहा, याद आया मैं आया था ना? हाथ जोड़कर भक्त ने बाबा से माफ़ी मांगी और कहा, बाबा तुम्ही ने तो कितने बार सिखाया है
कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं किसी ज़रूरतमंद के रूप में आ सकता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने, तुम्हें देखने कि तुम सिर्फ मेरी बातें सुनते हो या सिर्फ मुझसे उम्मीदें लगा के बैठते हो या मेरी बातों पे अमल भी करते हो। और तुम उस चीज़ में फेल हो गए। भक्त को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने आजीवन बाबा की बातों पे अमल करने का प्रण कर लिया। और कहते हैं अपनी आखिरी सांस तक वो भक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता जो उम्मीद जिसका कि कोई औचित्य नहीं है, जिसका कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, फिर तो बाबा ने हमेशा के लिए अपना हाथ उसके सिर पे बनाए रखा और आशीर्वाद भी दिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिद्धि माँ, जय गुरुदेव, जय जय श्री राम।